द्रौपदी जी कोट करते तात्पर्य में कि आपने अगर कृष्ण भावनामृत भावित होके इस शरीर को त्याग करते हैं तो अगले क्षण ही शरीर छोड़ने के बाद ही स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षात दर्शन करेंगे। तो भक्त का जो डेथ होता है, मरना होता है, वो लाइक सोने के समान है, लाइक स्लीपिंग, नींद ले रहे हो। आंखें बंद करके भक्त रेस्ट कर रहा है और आंखें जब खोल रहा है तो कृष्ण सामने खड़े है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं नहीं जाना चाहते भगवान के पास, बहुत जन्मों के बाद, बहुत सारे जन्म जन्मांतर जाने के बाद कोई एक बिड़ला आता है, उसके अकल में आता है, फिर जाकर ठिकाना आता है कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, परम है। और वो मानना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वही परम स्वामी है, उसके आगे का भी स्तर है, उससे आगे भी बढ़ना है हमें। कृष्ण भक्ति का जो रस है उसको प्राप्त करने के लिए सामान्य सुकृति पर्याप्त नहीं है, हमारे कोटि कोटि जन्मों का भी सुकृति, जो भी पुण्य अर्जित करके रखे है, वो भी पर्याप्त नहीं है, एनाफ नहीं है कृष्ण भक्ति की, जो प्रेम शुद्धि भक्ति की रस प्राप्त करने के लिए। तो मतलब कि ये नहीं जानना अंत नहीं होता, एंड होता है कि परम भगवान सब वासुदेव ही है, भगवान श्री कृष्ण है, वो एंड नहीं होता है, उसके आगे भी बढ़ना होता है। बिगिनिंग कहाँ होता है, शुरुआत कहाँ होता है, जब आपके अंदर लालसा होता है कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, वो बिगिनिंग होता है। वो शुद्ध प्रेम भक्ति की, जो कृष्ण भक्ति की रस है, उसको प्राप्त करने की लालसा होना चाहिए। तो ये कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट जोक। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट ए जोक। ये कोई मजाक मस्ती रगड़मार लोगों के लिए नहीं है, ये गंभीर लोगों के लिए है, जो गंभीरता से इसको पालन कर सके। जो लोग बहुत ज्यादा सिंसियर है, अगर सिंसियरिटी नहीं है आपके अंदर, कम बैक, वापस आ जाओ इस संसार में, बार बार आना पड़ेगा, बार बार आते रहो, जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर में फंसते रहो, जाओ स्कूल कॉलेज, भौतिक शिक्षा प्राप्त करो, फिर दोबारा स्टार्ट करो, ए बी सी डी एफ जी, ए फॉर अर्जुन नहीं है फिर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बलराम नहीं बी फॉर बॉल पढ़ो, सी फॉर चैतन्य नहीं सी फॉर कैट पढ़ाएंगे आपको, और डी फॉर दामोदर नहीं डी फॉर डॉग पढ़ाएंगे, और कुत्ते की तरह जिंदगी जियोगे इधर, और साथ में एक हाथ में फोन लेके बैठ जाओ एंड्रॉइड, और धीरे धीरे आंख की रेटिना खराब करो और चश्मा लगा लो, और ऊपर से कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, पूरे दिन उंगलियां चलाते रहो उसमें, ये जो सारे है पूरे दिन लगे रहना भौतिक संसार में, तो ये सब होता है नारकीय जीवन। मतलब नरक इधर ही है, संसार में है, उधर तो बाद में जाओगे, पाप संचित कर करके मरने के बाद उधर तो जाओगे, लेकिन ये भी है संसारिक भी एक नरक है जिधर आप जी रहे हो नारकीय जीवन, क्योंकि आप लोगों ने एटमोसफेयर जो वातावरण सृष्टि की है नरक का, इस पृथ्वी में ही बना दिया आप लोगों ने। तो ये जो संसार का जो जन्म मृत्यु जरावधि का जो चक्कर है, उससे बाहर निकलो, आपको मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इंसानों के पैदा हुए हो, उसको बर्थ में गवाओ, ऐसे ही मत जाने दो बेकार में। प्रभुपाद जी ने तो आपको भक्ति की नौका में बिठा दिया है, कृष्ण भक्ति की नौका में, इस भवसागर को पार हो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं प्रभुपाद जी की नौका में नहीं बैठना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे भी हैं और वो प्रभुपाद जी की बात नहीं मान रहे, मतलब जो नौका में बैठा है शिप में बैठा है, अगर वो कप्तान का बात नहीं सुन रहे हो आप, और वो कप्तान की बात नहीं सुन रहा है, और वो कह रहा है ये जो नौका है शिव है जहाज है, मैं इससे बाहर छलान मारना चाहता हूँ, वो भक्ति का जो जहाज है उसमें से कूदने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो बेवकूफ है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा कूद के, वो व्यक्ति भक्त बोलेगा मैं जा रहा हूँ, ये भक्ति का जहाज बहुत हिल रहा है, क्योंकि भक्त के जीवन में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है ना, जब भक्ति के लाइफ में आ जाता है एंटर करता है तो उसके जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, तो उसी प्रकार से वो नौका में बैठा है भक्ति की नौका में, तो वहाँ पे भी उतार चढ़ाव है, तो बोल रहा है बहुत हिल रहा है, मैं छलान मरना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ निकल के, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभुपाद, मैं कूद रहा हूँ जा रहा हूँ आपका नौका छोड़ के, आई एम जंपिंग प्रभुपाद इन द सिया। प्रभुपाद बोल लेते हैं बेवकूफ, इधर तो तभी तो सही है, कूद के तू कहाँ जाएगा, नीचे कूदोगे तो सीधा नीचे ही जाओगे, और नीचे क्या होता है पता है, बड़े बड़े शार्क है, मछली है, तुम्हें फाड़ के खा जाएंगे, प्रभुपाद की नाव छोड़कर डुबकी लगाओगे तो तुरंत मर जाओगे, तो इसीलिए सहन करो, उतार चढ़ाव आ रहा है ना जिंदगी में भक्त के, तो उसको सहन करना चाहिए, मत कूदो, कैसे भी रहो भवसागर पार हो जाओगे, कैसे भी करके सहन करके रहो, जो सहता है वही रहता है अंत तक, ये जो सुख दुख लाभ हानि ये सर्दी और गर्मी के समान है, आता है जाता है, हमेशा के लिए नहीं है, इससे डर के भागना नहीं है, इससे विजय हासिल करना है, विजय प्राप्त करना है।